डॉक्टर सुनील दुबे और एम सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज दुबे क्लिनिक नंबर टोली चौराहा पटना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट, मैं हूं अनामिका सिंह। शनिवार को अनंत सिंह पटना पुलिस के हाथ तो नहीं आए, लेकिन अब उनका बच पाना बेहद मुश्किल है। छोटे सरकार के नाम से कुख्यात बिहार के मोकामा के बाहुबली विधायक एक बार फिर से गंभीर संकट में फंस गए हैं। इस बार उन पर AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसी खतरनाक चीजें रखने का आरोप लगा है। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। वैसे तो अनंत सिंह के खिलाफ 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, फिर भी वो जेल से बाहर हैं। लेकिन इस बार उनके ऊपर कानून का शिकंजा इस कदर कसा है कि उनके पूरे कुनबे के बर्बाद हो जाने का रास्ता तैयार हो गया है। अनंत सिंह के खिलाफ पुलिस UAPA के तहत भी कार्रवाई करेगी। निर्दलीय विधायक अगर UAPA के तहत दोषी पाए जाते हैं तो उन पर न केवल देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, बल्कि उनका पॉलिटिकल करियर भी तबाह हो जाएगा। 15 साल से मोकामा के विधायक चुने जा रहे अनंत सिंह इस कार्रवाई के बाद आजीवन चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार मिलने के बाद इस केस की जांच में स्पेशल टास्क फोर्स के साथ ही NI की टीम और सेना के अधिकारी भी लगे हुए हैं। हथियार बरामदगी के बाद अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न रहने और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अनंत के खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। अनंत सिंह बिहार के पहले जनप्रतिनिधि होंगे जिनके खिलाफ UAPA जैसे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अनंत सिंह शुरू से ही हथियारों के शौकीन रहे हैं। सोशल मीडिया में अक्सर AK-47 लहराते हुए उनकी तस्वीरें वायरल होती रही है, लेकिन तब सरकार के साथ थे इसलिए कभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। कभी उनसे ये नहीं पूछा गया कि उनके पास AK-47 कहां से आए, लेकिन अब जब सरकार उनके खिलाफ है और उनके घर से AK-47 हैंड ग्रेनेड बरामद हो गया है, उनका बच पाना मुश्किल हो गया है। पुलिस मुख्यालय पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पटना पुलिस के सीनियर अधिकारी के माने तो इस मामले में विधायक के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जिस तरह से अनंत सिंह पुलिस और गिरफ्तार के डर से घर छोड़कर नहीं भागने के दावे कर रहे थे, पटना में अब अनंत सिंह अंडरग्राउंड हो चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। सवाल ये उठता है कि पटना पुलिस की हर गतिविधि से अनंत सिंह कैसे वाकिफ थे। क्या पुलिस महकमे में भी अनंत सिंह के शुभचिंतक बैठे हुए हैं? इन सारे सवालों का अब तक जवाब नहीं मिला है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद ही इस राज से पर्दा उठ सकता है। तो दर्शकों, ये खबर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे फोन नंबर से 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।